प्यारे बच्चों एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जय महादेव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम में और दो लेक्चर तुम लोगों ने ग्रेविटेशन के पढ़ लिए हैं ठीक है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा और ये तीसरा लेक्चर नंबर थ्री इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक नए टॉपिक को सबसे पहले हेडिंग आप लोग लिखोगे पृथ्वी तल से लिख लो हेडिंग भैया पृथ्वी तल से नीचे जाने पर नीचे जाने पर गुरुत् त्वरण तो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन मान में परिवर्तन ठीक है ये हेडिंग आज आप लोग लिखिए पहले फिर स्टार्ट करते हैं ठीक है तो देखो पृथ्वी तल से आज कहाँ चलना नीचे उस दिन कहाँ गए थे भैया उस दिन गए थे ऊपर सैर करने आज समझना गौर से ये हमारी धरती माता हो गई बना लेते धरती माता को ये पृथ्वी हो गई मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान है यमी और त्रिज्या कितनी मान लेते हैं वही जो मानते थे आरी कितनी त्रिज्या मान लेते हैं आरी ठीक है ये आप लोग माना फलाना का फलक का सब अपने से लिख लिया करो ये बड़े बड़े हो गए अभी सब कक्षा अच्छा नौ दस में अपने मैं नहीं लिखाता हूँ ठीक है तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम है और त्रिज्या क्या है आरी है ये पृथ्वी तल है यहाँ पर मान लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है अब हमें कहाँ चलना पृथ्वी तल से नीचे मान लो हम पृथ्वी तल से नीचे एच गहराई तक आते हैं कितना आते हैं एच गहराई तक अगर मान लो यहाँ पर आ गए ये एच गहराई पर यहाँ पर मान लेते ग्रुत्ती त्वरण जो है वो है जी डैस कितना है जी डैस हमें ये पता करना है कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर ग्रुत्ती तोरण के मान में क्या परिवर्तन हुआ अर्थात घटा बढ़ा या घटा तो कितना घटा बढ़ा तो कितना बढ़ा ये पता करना है ठीक है तो यहाँ पे समझो जब आप पृथ्वी तल से एच गहराई पे आ जाओगे तो पृथ्वी के केंद्र से तुम्हारी दूरी क्या बचेगी आर ई माइनस एच बात समझ में आ रही -E भाई की नहीं पहले बताओ ये फिर समझो ये त्रिज्या कितनी थी आर ही -E थी अगर एच गहराई नीचे आ गए तो कितनी बची आर ई माइनस एच थी देखो हमने पढ़ा है पृथ्वी तल पर क्या पढ़ा है पृथ्वी तल पर स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर ये हम लोगों ने पढ़ा था याद है सबको ठीक है अच्छा यहाँ ये यह जो यमी ई लिखा है ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान का एक फार्मूला हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर घनत्व गुड़ते आयतन ये पढ़े हो सब लोग घनत्व गुड़ते बताओ क्या होता है आयतन अगर हम बात करें पृथ्वी के लिए तो पृथ्वी का द्रव्यमान किससे लिखा है यमि से और एक बात मान लेते हैं कि जो पृथ्वी माता है इनका घनत्व तो हम क्या मान लेते हैं रो रो लिखा है ठीक है ये ग्रीक वर्ड है रोता नहीं है इस वर्ड का नाम है रो तो यहाँ पे घना तो कितना लिखोगे रो और आयतन देखो तो पृथ्वी वास्तव में गोलाकार नहीं है पर इसको हम कैलकुलेशन के लिए लगभग गोलाकार मान के चलते हैं ठीक है तो इसका आयतन हम गोले के आयतन बराबर चार बटे तीन पाई आर ई क्यूब रख देंगे आर ई क्यूब अब बच्चा ये आ गया अदरव मान का मान ये मान अगर यहाँ पे उठा के रख दें तो जी बराबर हमें मिलेगा कैपिटल जी ये हम ई के प्लेस पे रखेंगे रो इन फोर बाई थ्री पाई आर ई का क्यूब अपॉन में आर ई का स्क्वायर ये दो पावर इसकी दो पावर को कैंसिल कर देंगे एक पावर बचेगी स्मॉल जी बराबर क्या मिल गया बताओ फोर बाई थ्री पाई रो जी इंटू बताओ क्या आर ई ये मिल गया गुरुत्वी त्वरण का मान कहाँ पृथ्वी के तल पर ठीक है अब हम कहाँ चलेंगे पृथ्वी तल से एच गहराई नीचे ठीक है तो लिखना पृथ्वी तल से पृथ्वी तल से एच गहराई पर कहाँ पर भैया एच गहराई पर तो जब इसमाल एच गहराई पे गए तो नया वाला मान क्या हो गया जी डैस अच्छा ये जो मैंने संबंध निकाला है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय तोरण का मान घनत्व के पदों में इसमें देखो क्या बदल जाएगा गहराई पर जाने से फोर बाई थ्री पाई रो जी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है कुछ नहीं बदलने वाला है ठीक है पाई भी कांस्टेंट है पृथ्वी का घनत्व भी एक समान होता है पृथ्वी को लगभग एक समान घनत्व का गोला माना जाता है ठीक है और होती भी है और रोजी क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये भी नहीं बदलने वाला है न्यूटन भैया ने बताया तो समस्त ब्रह्मांड में नहीं बदलता है तो पृथ्वी तल से नीचे जाने पे क्या बदलेगा ठीक तो ये पूरा का पूरा बच्चे लोगों नहीं बदलेगा बदलेगा क्या पृथ्वी के केंद्र से दूरी जब हम तल पे थे तो आ रही थी और जब हम एच गहराई नीचे आ गए तो वो दूरी कितनी हो गई आ रही माइनस एच हो गई यहाँ पर जो नया वाला मान जी डैस में लिखूंगा वो हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई रो जी ठीक है ये पूरा लिख दिया और ये यहाँ पे क्या लिख दोगे आर ई माइनस एच आर ई माइनस एच इसको माने इक्वेशन नंबर टू तुमको क्या करना है तुमको ये तल वाले मान और गहराई वाले मान की तुलना करनी है तुलना करनी दोनों को भाग दे देते हैं तो लिखना समीकरण नंबर एक पटा दो से तो जब दोनों का भाग दोगे तुम्हें मिलेगा जी जी डैस बराबर फोर बाई थ्री पाई रो जी आर ई अपॉन फोर बाई थ्री पाई रो जी डै जी और आर ई माइनस एच ये बताओ पूरा का पूरा फोर बाई थ्री पाई रो रो जी जी सब बर्बाद हो जाएंगे तो हमें मिलेगा कितना हमें मिलेगा जी बाई जी डैस बराबर आर ई अपॉन आर ई माइनस का एच ये मिला अब यहाँ से अगर मैं जी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी जी डैस उधर चला जाएगा आर ई अपॉन आर ई माइनस एच इंटू जी डैस अब थोड़ा घूर के गौर से इस संबंध को देखिए जी बराबर क्या लिखा है आर ई अपॉन आर ई माइनस एच इंटू जी डैस अब बताओ इसमें से क्या बड़ा है जी बड़ा है कि जी डैस बड़ा है तो भैया अंधा आदमी बता सकता है कि सर जी का मान जी डैस के मान से इतने गुना ज़्यादा है जी का मान जी के मान से इतने गुना ज़्यादा है इतने गुना है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्मॉल जी का मान जो होता है वो जी के मान से बड़ा है अर्थात तल वाला मान गहराई वाले मान से ज़्यादा है या हम इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जी का जो मान है वो जी से छोटा है अर्थात क्या हुआ कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तो इसके नीचे लिख देना आता है पृथ्वी तल से कहाँ से भैया पृथ्वी तल से नीचे जाने पर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है ठीक ये हो गया समझ में आ गया होगा सबको कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में सिद्ध करने के लिए नोट कर लो अच्छे से सब लोग नोट कर लो भाई वीडियो को रोक लिया करो आराम से नोट करते रहा करो हो गया सबका चलिए और इसकी नोट्स जिसे चाहिए हमने पहले बता दिया देखो डिस्क्रिप्शन में आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उस लिंक से आप टेलीग्राम पे जाइए और ये नोट्स आपको पूरे चैप्टर की नोट्स मिल जाएगी ठीक है अब तो मैं पी नोट्स भी तुम लोग को दूंगा एक एक चैप्टर की नोट्स देने वाला हूँ ठीक है अच्छा कुछ बच्चों की शिकायत होती सर आपका लिंक ओपन नहीं हो रहा है बच्चा उसके लिए एक ऐप होता है गूगल प्ले स्टोर में टेलीग्राम ठीक है जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो ना उसी तरह से एक ऐप होता है टेलीग्राम उसको आप पहले अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए जब आप उस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उस पर हमारा एक पब्लिक चैनल है जैसे मतलब हमारा यूट्यूब चैनल है उसी तरह से टेलीग्राम में पब्लिक चैनल है ये मत सोचना कि उसमें तुम्हारी पर्सनल डिटेल कोई जान जाएगा कुछ ऐसा नहीं है कोई को हमें भी नहीं पता उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं हमें नहीं पता कौन कौन बच्चा है क्या है कौन है हमें कुछ नहीं पता हम वहाँ पे कंटेंट दे देते हैं बच्चों तक वो पहुँच जाता बस एक माध्यम है आप लोग से जुड़े रहने का तो टेलीग्राम पे आप अपने नंबर से पहले रजिस्टर्ड हो जाइएगा फिर आप उस लिंक को टच करेंगे तब आपको टेलीग्राम पर ले जाएगा ठीक है अब बिना टेलीग्राम के मतलब बिना आपके मोबाइल में वो ऐप हुए ये आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा ठीक है पहले ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए चलिए तो फिर हम चलते हैं चलो इसके नीचे कुछ नोट पॉइंट में बातें होंगी इसको मिटा दे साहब लिख लिए हो गए चलो इसके नीचे एक नोट पॉइंट तो भैया हमने क्या सीखा यहाँ पर कि पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे गुरुत्वीय तरण का मान घटेगा पिछले लेक्चर में क्या सीखा था कि पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय तरण का मान घटेगा मैं बताऊँ आँख मून के तुम लोग याद कर लो हर प्रक्रिया में गुरुत्वीय त्वरण का मान घटते है बढ़ता नहीं है पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी में आकार के कारण ठीक है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी तल से नीचे आने पर घूर्णन गति के कारण हर चीज में का मान क्या होगा घटेगा बस और कुछ नहीं होगा ठीक आप चलो कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं इसको रफ करने में बड़ा बल पड़ जाता है भाई मिटा देते हैं मिटा रहे हैं मिट नहीं रहा ये मिटा दे साफ हो जा भाई जल्दी तुम्हें क्या प्रॉब्लम बेटा हो गया। चलो अब एक नोट पॉइंट आप लोग लिखिए नीचे इसके नोट पॉइंट में क्या सीखना पहले समझो हम लोग नोट पॉइंट में ये सीखेंगे कि देखो एक बात समझना यहाँ पे कि हमने पढ़ा कि जी बराबर जो होगा गहराई पर जाति से जी बराबर जो होगा वो आर ई अपॉन आर ई माइनस एच इन टू जी डे बराबर होगा ठीक है अगर यहाँ से मैं जी डैस का मान निकालूँ तो जी डैस का मान कितना आ जाएगा भैया इसको इधर लिख चले आना तो आर ई -E माइनस एच ऊपर आ जाएंगे आर ई अपॉन अपौन में आ जाएगा इन टू जी तो ऑलरेडी लिखा ही है अच्छा चलो अभी देखो ये पूरे के बटे में R र -E लिखा है इसको अलग अलग बटे में लिख सकते हैं तो जी डैस का जो मान होगा वो हो जाएगा आर ई अपान में R रई माइनस एच में आ इन टू बताओ क्या जी ये दोनों कैंसिल होके वन हो जाएंगे ठीक है तो जी डैस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वन माइनस एच अपॉन आर ई इंटू बताओ क्या जी ठीक है देखो यहाँ से अगर इसका अंदर गुड़ा करा दें तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी माइनस एच अपॉन आर ई इंटू जी ठीक है अच्छा इसको अगर हम इस साइड कर लें और इस जी डैश को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा एच अपॉन आर ई इंटू जी बराबर जी माइनस जी डैस जी माइनस जी डैस मतलब क्या हुआ मान में कमी या मान में परिवर्तन ये बोल सकते हो भाई तल पे मान क्या होता है तल पे मान होता है जी गहराई पर मान क्या होता है गहराई पर मान होता है जी डैस तो अगर हम जी से जी डैस को घटाएंगे तो कितना घटा ये पता चल जाएगा ना और हमें पता कमी होती लेकिन कितनी होती है तो वो मान ये होगा एच अपॉन आर इंटू जी ठीक है तो पृथ्वी वो त्वरण के मान में कमी जी के मान में कमी कमी का मान हो गया जी माइनस जी डैस बराबर कितना आया एच अपॉन आर ई इंटू जी ये आ गया एच अपॉन आर ई इंटू बताओ कितना जी ये आ जाएगा कमी का मान अब अगर मान लो इसी मान को हम भिन्न में बदलना चाहते हैं या प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो भिन्न में के लिए क्या करेंगे वास्तविक मान से इसकी तुलना कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा जी माइनस जी डैस अपॉन में जी बराबर क्या आ गया एच अपॉन आर ई आ गया यह हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वीय तौर स्मॉल जी के मान में भिन्नात्मक कमी या भिन्नात्मक परिवर्तन क्या कहेंगे भिन्नात्मक कमी या भिन्नात्मक परिवर्तन अगर इसी को हमें प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे तो प्रतिशत में जब आप बदलोगे तो जी माइनस जी अपॉन जी ये भिन्न में लिखा है घुड़ते सौ इधर कर दोगे तो एच अपौन आर ई गुड़ते सौ आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और ये जो आंसर आएगा वो होगा आपका प्रतिशत कमी का बताओ किसका मान होगा ये प्रतिशत कमी का समझ में आया सबको तो त्वरण तो के मान में प्रतिशत कमी कितनी होती है नीचे जाने पर एच अपॉन आर इन हंड्रेड ये परसेंटेज ये वो कमी होगी ठीक है अब एक बात थोड़ा गौर कीजिए कि जब मैंने ऊपर जाने पर बताया था पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर तो ऊपर जाने पर जो प्रतिशत कमी आई थी या भिन्नात्मक कमी आई थी तो ऊपर जाने पर ये आई थी याद करूँ जी माइनस जी डैस अपॉन में जी इन टू हंड्रेड अगर परसेंटेज में निकाले थे तो टू एच अपॉन आर ई इन टू हंड्रेड परसेंट ये आया था ना यहाँ पे क्या आया है बताओ एच अपॉन आर ई इन टू हंड्रेड यहाँ क्या आया है टू एच अपॉन आर ई इन टू हंड्रेड मतलब समझो अगर एच गहराई पर जाते हैं और मान दस परसेंट घटेगा बात समझना अगर एच गहराई पर जाने से मान दस परसेंट घटेगा तो उसकी एच ऊंचाई पर जाने से मान बीस परसेंट घटेगा यानी पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर त्वरण का मान दुगनी तेजी से घटता है नीचे आने पर अगर पाँच परसेंट घटा तो उतना ही ऊपर जाने पर दस परसेंट घटेगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जैसे मेरे भाई अगर हम मान लो कहें कि पृथ्वी तल से चौदह सौ किलोमीटर नीचे आए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पच्चीस परसेंट घट गया एक उदाहरण बता रहे हैं तो चौदह दूनी अट्ठाईस सौ अगर चौदह सौ किलोमीटर इधर जाएंगे ठीक है तो इधर जो इसका जस्ट डबल घटेगा पच्चीस परसेंट इधर घटा है तो इधर कितना घटेगा पचास परसेंट घट जाएगा बात समझ में आई तो ये एक पॉइंट कहीं पे नोट करके लिख लो कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दोगुनी तेजी से घटता है अच्छा एक बात और याद रखना अर्थ के अगर हम सेंटर पे निकालें सेंटर पे तो बच्चों ये जो एच लेंगे गहराई वो पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर हो जाएगी और जब एच गहराई पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तो आप यहाँ पे देखिए एच गहराई को पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर रख दोगे तो आरी आरी कैंसिल और ये जीरो से इधर गुणा हो जाएगा तो जी डैस का मान क्या आएगा जीरो आएगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरु त्वरण का मान शून्य होता है इस पॉइंट को याद कर लेना केंद्र पर जी बराबर क्या होता है जीरो होता है ठीक चलो ये सब चीज़ें हो गई हो तो फिर आगे बढ़ा जाए अब थोड़ा सा हम ऊपर जाने गुरुतीतरण का मान केंद्र पर और उसकी सतह पर ऊपर जाने पर इन सब मानो की एक बार तुलना कर लेते हैं ग्राफ के मेथड से ये सब मिटा दिया जाए भैया बिल्कुल मिटा दीजिए सर एकदम ना न सरमाइए ये, रुकी ये चलो अब हम यही सब मानों की तुलना कर लेते हैं थोड़ा ग्राफ के मेथड से देखो क्या है आराम से बनना है इससे सफाई नहीं हो रहा है एक मिनट आप लोग रुकीयेगा एक्चुअली बेटा ये थोड़ा सा मार्कर इतना डार्क करके लिखना पड़ता हम लोग को बच्चों की शिकायत आने लगती सर थोड़ा मार्कर डार करिए हम लोग क्लास में इतना डार्क मार्कर कभी यूज नहीं करते हैं इसमें इतनी ज़्यादा इंक भर देते हैं कि मतलब तुम लोग को स्पष्ट दिखाई दे ये ना प्रॉब्लम आए कि सर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ करते हैं तो उसको मिटाने में ना पूरी परत का परत वो लिख के चलता है तो उसको मिटाने में बड़ा ताकत लग जाती है ताकत तो लग जाती है सही है लेकिन जल्दी मिटता नहीं है तो थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता है ना तो लोग देखते रहे सर ये क्या कर रहे हैं आपका मिटता ही नहीं है पता नहीं कितना लिख देते हैं धर धर की चीज़ ना चलो अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि कि ग्राफ के मेथड से समझेंगे सब कुछ ठीक है जी के मान में परिवर्तन ऊपर जाने पर नीचे जाने पर फिर डाल लेना चाहे तो जी के मान में परिवर्तन जी के मान में परिवर्तन ठीक है आप समझना पहले हम बता दें हमने एक दो दो तीन पॉइंट देखे केंद्र पर स्मॉल जी का मान जो आएगा पृथ्वी के केंद्र पर वो जीरो आएगा ये सबको ये जानता है उसके बाद नीचे जाने पर क्या वो नीचे जाने पर क्या होता है नीचे जाने पर पृथ्वी तल से नीचे जाने पर तो हमने वहाँ पर पढ़ा कि जी डेस का जो मान होगा वो आ माइनस एच अपॉन में आ बताओ किसके बराबर हो जाएगा आर ई माइनस एच अपान में आ रई इंटू जी के बराबर आर ई माइनस एच का मतलब होता भैया पृथ्वी के केंद्र से दूरी ये समझो ये पृथ्वी माता होती थी ये वाली दूरी होती थी आर ई e, ये दूरी क्या होती थी आर ई e, और ये यहाँ से यहाँ जब एच गहराई नीचे आ जाते थे तो फिर शेष दूरी क्या बचती थी आर ई माइनस एच ये वाली बचती थी आर ई माइनस एच तो अगर हम इस आर ई माइनस एच को कुछ देर के लिए आर कंसीडर कर लें आर मान लें तो ये जी डी का जो मान होगा हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन आर ई इन बताओ क्या जी तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि जो जी डैश का मान है वो प्रोपोर्शनल टू है स्मॉल आर के ये देखो जी डैश का मान है प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर यानी आर क्या है पृथ्वी के केंद्र से दूरी यानी कह सकते हैं ऐसे समझो कि केंद्र पर शून्य होता है और केंद्र से इसके तल तक जो मान होता है वो पृथ्वी के पृथ्वी के केंद्र से दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है यानी आप केंद्र से जैसे जैसे दूर आगे बढ़ते जाओगे स्मॉल आर का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जी डैश बढ़ता जाएगा आर पृथ्वी के केंद्र के की ओर आते जाओगे तो ये घटता जाएगा ये भी घटता जाएगा और कितना हो जाएगा केंद्र पर जीरो हो जाएगा तो ये ऊपर जाने की कहानी हो गई तो इस चीज़ को ऐसे समझो ये ग्राफ में यहाँ पर बना रहा हूँ ये ये देखना समझना ये हो गया स्मॉल जी के लिए ठीक है और ये मान लो हमारी पृथ्वी माता हो गई ये धरती माता हो गई ये इनका केंद्र हो गया तो केंद्र पर हमने क्या देखा गुरुत्ती का मान जीरो है केंद्र पर ये इधर इधर जो है पृथ्वी केंद्र से दूरी प्रदर्शित करो और इस साइड ग्राफ में हम गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रदर्शित करेंगे तो केंद्र पर जब हम थे ये देखो केंद्र पर तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है जीरो है अच्छा ये वाली दूरी किसके बराबर होगी पृथ्वी की त्रिजा आरी है ठीक है उसके बाद ये इधर जाते हो मतलब पृथ्वी से ऊंचाई पर जा रहे हो तो समझो केंद्र पर हो गया जीरो अब केंद्र से मैंने बताया सतह तक जी प्रोपोर्शनल टू आर होता है सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती है तो अनुक्रमानुपाति का ग्राफ एक सीधी लाइन में ऊपर क्यों जाता है तो केंद्र तक ये पृथ्वी के केंद्र से लेके सतह तक ये ग्राफ एकदम सीधा खींचेगा यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान परिवर्तन इस ग्राफ के अनुसार होगा और ये सतह पर अधिकतम मान होगा जी के बराबर किसके बराबर हो जाएगा जी के बराबर अब चलो ऊपर जाने वाले मान के बारे में सोचते हैं पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर तो ऊपर जाने पर बच्चा आया था जी बराबर वन प्लस ये ऐसे लिख देते हैं आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इन टू जी डैस ये आया था यहाँ पे बात समझने वाली है कि अगर जी डैस का मान निकालें तो ये हो जाएगा जी अपॉन आर ई प्लस एच ठीक है और R आर ऊपर चला जाएगा इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर फिर वही चीज़ करते हैं आर ई प्लस एच को हम मान लेते हैं स्मॉल आर के बराबर तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे जी जी डी का मान आया वो आ जाएगा आर ई अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू जी के बराबर हमको तुलना करनी इस आर से दूरी से ठीक है केंद्र से दूरी ये आर क्या है आर ई प्लस एच का मान मतलब पृथ्वी के केंद्र से दूरी तो जी डैश का यहाँ पर जो मान है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के ठीक है मतलब पृथ्वी के केंद्र से दूरी अगर बढ़ाते जाओगे ऊंचाई पर जाने पर तो गुरुतीत का मान घटता जाएगा जितना दूर जाओगे जितना दूर जाते जाओगे गुड़तीत का मान घटेगा वो भी इनवर्स स्क्वायर ला के अकॉर्डिंग घटेगा ठीक है व्युत्क्रम वर्ग के नियम मतलब अगर पृथ्वी के केंद्र से मान लो दूरी ऊंचाई पर दुगनी कर दी जाए तो दो का स्क्वायर कितने गुना घट जाएगा चार गुना ठीक है तो इसके लिए देखो क्या होगा आप दूर जाओगे तो जी घटेगा तो जैसे जैसे आपकी दूरी का मान बढ़ाते जाओगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाएगा और इनवर्स के हिसाब से घटेगा मतलब बहुत तेज़ी से घटेगा अच्छा एक बात और याद रखना अनंत पर अगर हो जाओगे तो जी बराबर क्या हो जाएगा जीरो अनंत पर जी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों जीरो तो इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा अगर आप लोग चाहो तो इसको भी समझ सकते हो ग्राफ हो पैसे यूपी बोर्ड या जल्दी हिंदी मीडियम वाले समझ में आता नहीं है हुआ नहीं थोड़ी सी चीजों को समझो बहुत आराम से आएगा केंद्र पर जीरो हो जाएगा सतह पर अधिकतम होगा केंद्र से सतह तक लीनियर ग्राफ खींचेगा उसके बाद केंद्र के वो सतह के बाद दूर जाने पर हाइपरबोलिक ग्राफ होगा अति होगा ठीक चलो इसको मिटा दें भैया चलो अगली हेडिंग भैया आप लोग लिखोगे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जी के मान में परिवर्तन लिख लो सब लोग हेडिंग पृथ्वी की घूर्न गति के कारण जी के मान में परिवर्तन ठीक है घूर्न गति देखो पृथ्वी हमारी दो प्रकार की गतियाँ करती है हमने बताया था एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और उस चक्कर के चक्कर में इसको लग जाते हैं तीन सौ पैंसठ दिन छः घंटा चौबीस मिनट के आसपास ठीक है और अपने अक्ष के परिता भी घूमती है और वो चक्कर लगाने में इसको लगते हैं पूरे पूरे चौबीस घंटे ठीक है अच्छा पृथ्वी अगर अपने अक्ष के परिता घूमना बंद कर दे तो हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा कोई सोच सकता है बेटा दिन और रात का होना बंद हो जाएगा अगर पृथ्वी घूर्णन गति करना बंद कर दे तो दिन और रात का होना बंद हो जाएगा मतलब इस समय जितने बज रहे हैं यही बज रहेंगे घड़ी चलती रहेगी तुम्हारी घड़ी नहीं रुकेगी मतलब कभी रात नहीं होने वाली आज ऐसा कुछ हो जाएगा तो समझो अब क्या समझेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति कारण जी गुरुती के मान में परिवर्तन लिख लो हेडिंग पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण गति के कारण जी के मान में परिवर्तन ये अब हम लोग समझेंगे ठीक है क्या होगा परिवर्तन इसको समझना थोड़ा सा ये वाला डेरिवेशन बच्चों को कठिन लगता है तुम लोग बच्चे ही तो हो ये मान लो हमारी धरती माता हो गई आ गई ठीक है सही बनी है यहाँ पे इनका द्रव्यमान क्या होता है यम ई ठीक अरे क्या लिख रहे, या या लिख रहे हैं बोल रहे हैं यम ई और लिख रहे हैं आर ई पृथ्वी का द्रव्यमान होता है एम ई और त्रिज्या क्या लेते हो आर ई त्रिज्या क्या होती है बच्चों आर ई ये आर ई अच्छा यहाँ पर मान लो एक कोई कण है अच्छा एक बात तो तुम लोग जानते हो कि ये वाली रेखा जो होती है इसको कहते हैं भूमध रेखा या विषुवत रेखा क्या कहते हैं भूमध्य रेखा और ये वाली जो लाइन हमने खींच रखी यहाँ पर यह है ध्रुवीय रेखा या ध्रुवीय अक्ष भी कहते हैं पृथ्वी का ध्रुवीय रेखा या कहेंगे ध्रुवीय अक्ष ये समझ में आया सबको अब देखो पृथ्वी कहाँ घूमती है तो पृथ्वी भैया पूरब से पश्चिम की ओर अपने ध्रुवों के परिता घूमती है ना ये वाली पूर्व दिशा है ये वाली पश्चिम दिशा है ये उत्तर दिशा होती है और यहाँ पर ये दक्षिण दिशा होती है ये सबको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उसके बाद देखो जैसे मान लो कोई एक कण है इसमालय द्रह्म का इसमालय द्रह्मान का ठीक है जो यहाँ पर है इस स्थिति पर अच्छा एक बात समझो भूमध्य रेखी तल से या विश्वत रेखी तल से किसी कण का जो कोण बनता है वो उसकी अक्षांश स्थिति कहलाती है लैम्डा नहीं बात में आई देखो भूमध्य रेखी तल क्या है जैसे हम मान लो पृथ्वी को बीच से काट दें क्या कर दें काट दें देखो इरादे देखो सेब काटा होता नहीं है सेब को ही समझो सेब लेकर के इसके चारों ओर जो बीचों बीच एक लाइन है समझ रहे हो ठीक बीचों बीच एक लाइन खींचो तो वो भूमध्य रेखा कहलाएगी अगर वहां से काट दे तो एक तल खुलेगा ना भैया तल उस तल को कहेंगे भूमध्य रेखी तल या विश्वतरेखी तल तो उस तल के साथ जितना एंगल बनता है उस एंगल को कहा जाता उसकी है उसकी अक्षांश स्थिति बात समझ में आई सबके ये होती है अक्षांश स्थिति तो मान लो यम द्रह्म का कोई कण इस बिंदु P पर है ठीक है अब देखो जब पृथ्वी घूमेगी पश्चिम से पूरब की ओर तो ये कण अपना एक अलग ही चक्कर लगाएगा देखो ऐसे ऐसे पृथ्वी घूमेगी और ये कण यहाँ पर एक स्माल आर त्रिज्या के वृत्ति पथ पर घूम रहा होगा अब ये सर बात आपकी हजम नहीं हो रही क्या क्या बताए चले जा रहे हैं समझो बच्चों तुम लोग एक काम करो अपने हाथ में एक सेब पकड़ो सेब पकड़े ऐसे अब उसको आप ऐसे घुमाइए ऐसे ऐसे घुमाओ ऐसे 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 घुमाओगे ठीक है अगर सेब के इस पॉइंट पे बात समझो इस पॉइंट पे हमें एक छोटा सा मार्कर से पॉइंट लगा दें जब पूरा सेब ऐसे घूमेगा तो वो पॉइंट छोटे से सर्कल को बनाएगा थोड़ा और ऊपर अगर उस पॉइंट लगाते तो और छोटा सर्कल बनाता नीचे लगाते तो और बड़ा सर्कल बनाता आई बात समझ में तो ऐसे ऐसे उसको घुमाओगे तो वहाँ पर कोई पॉइंट लगा दोगे तो अपना एक अलग सर्कल में घूमेगा तो यही चीज़ है यहाँ पर ये बिंदु पी पर एक स्मॉल है का कोई कण है जो कि मान लो स्मॉल इस्मा के वृत्ति पथ पर गति करता है समझना अब ये वाला एंगल भैया लेमडा है और तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा लैमडा हो जाएगा बातों को आराम से तो समझना धीरे धीरे अच्छा वृत्ति गति पर एक अपकेंद्र बल लगता है कण पर वो कहाँ लगता है वो लगता है केंद्र की बाहर की ओर तो कण इस वाले वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो एक केंद्र की ओर केंद्र से बाहर की ओर एक अपकेंद्र बल लगेगा अच्छा अपकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है सर आपने अभिकेंद बल का तो बताया था अब बल बच्चा अभिकेंद्र बल के बराबर ही होता है संख्यात्मक रूप में ठीक है तो यहां पर कितना बल लगेगा तो लिखना आप कण पर कण पर लगा बल ठीक है अब केंद्र बल ब्रैकेट में देना आप केंद्र बल कितना बल लगेगा समझो तो वो हो जाएगा अब बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर होता है अच्छा इस कण के वृत्ति पथ की त्रिज्या स्मॉल आर हमने मानी है अच्छा एक बात समझो यहाँ पर इसका जो कोणीय वेग होगा घूमने का वो पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर होगा भाई वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना वही हाल यहाँ पर भी है कि अगर पृथ्वी में रह कर के रहना है तो पृथ्वी के चाल से घूमना है सीधी सी बात है नहीं बात समझे अगर पृथ्वी में रहना है, तो पृथ्वी जित चाल से घूमेगी उस चाल से हमें घूमना ही पड़ेगा तो यहाँ पर इस कण का कोणीय वेग इस वाले कोणीय वेग के बराबर होगा हम लोगों ने पढ़ा है वी बराबर आर उमेगा बहुत प्यार से समझो आर ओमेगा तो जहां पर वी लिखे वहां क्या लिख दूंगा आर ओमेगा तो अब बराबर हो जाएगा यम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर में आर आर से आर कैंसिल तो ये बल अब बराबर आ जाएगा यम आर स्क्वायर अच्छा यम आर ओमेगा स्क्वायर का फोर्स कहाँ लगेगा ये लगेगा भैया केंद्र से बाहर की ओर इस वाले बिंदु p पर जो कण यम घूम रहा है इसका केंद्र यहाँ है केंद्र से बाहर इधर लगेगा ये वाला बल यम आर ओमेगा इसक्वायर सबको दिख रहा है जहाँ पर मैंने लिखा है हाँ उतना चल जाएगा सर अब देखो ये वाला अगर एंगल लेमडा है इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें तो ये वाला एंगल भी बताओ बच्चा क्या होगा लेमडा होगा क्लियर हो रहा है कि नहीं अगर ये वाला एंगल लेमडा है तो ये वाला भी लेमडा होगा कैसे सर जब दो तीरक रेखाएँ एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं किस लिए चीरछा विमुख कोण पड़े हो सब लोग तो अब देखो ये वाला एंगल लेमडा है और ये वाला घट एम बल इधर है हमारा ओमेगा स्क्वायर है तो इधर कितना लगेगा ये हमार ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा भाई घटक बनाना जानते हो ना जिसके साथ थीटा जुड़ा हुआ किसके पद में बन जाता है कॉस के पदों में ठीक है अच्छा एक बात समझो हमने बताया पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की के ओर आकर्षित करती है और उस लगने वाले बल का मान क्या है एम जी अब देखो इस कण बेचारे एम पर पृथ्वी अपने केंद्र की ओर बल लगाएगी क्या एम जी और पृथ्वी के केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल लगेगा इसका घटक ए एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा तो इस पर लगा परिणामी बल कुछ और होगा तो इस पर लगा और हम परिणामी बल निकालें क्या निकालें परिणामी बल तो मान लो वाला बल एम जी डैश है कितना है एम जी डैश ठीक है वह उसका गुरुत्व थोड़ा मैंने जी डैश मान लिया ठीक है और तो ये हो जाएगा एम जी डैश बराबर क्या होगा तो केंद्र की ओर एम जी लगा है बाहर की ओर एम आर स्क्वायर कॉस लैम्डा लगा है तो आप क्या करोगे यम जी से यम आर ओमेगा इस लैमडा आप माइनस कर दोगे ये तो यहाँ से बात समझो कि यम 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 हर जगह से कैंसिल तो जी डैस का जो मान आएगा वो आ जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैमडा ये आ गया जी डैस का मान पृथ्वी की गति कारण गुड़ी त्वरण जी डैस का मान ये आ गया ठीक है अब एक बात थोड़ा समझना इस फार्मूले को थोड़ा हम और आगे सॉल्व करने वाले हैं जी डैस बराबर g माइनस क्या मिला है r ओमेगा स्क्वायर ये मिला है मेरी बात समझना बच्चों अगर इसमें हम ये वाला ट्राइंगल ले लें ये वाला और कॉस लैमडा की वैल्यू निकालें किसकी वैल्यू निकालें कॉस लैमडा की तो कॉस लैमडा की जो वैल्यू आएगी भैया होता आधार है आधार बटेकड़ हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन आर ई क्या हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन आर ई हो जाएगा तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आर ई कॉस लैमडा क्या आ जाएगा बोलो आर ई कॉस लेमडा आ जाएगा ये वाला मान उठा के अगर यहाँ पे रख दें तो जी डैस की जो वैल्यू आएगी हो जाएगी जी माइनस स्मॉल आर की जगह क्या रखोगे आर ई कॉस लेमडा इंटू मेगा स्क्वायर इंटू कॉस लेमडा तो कुल मिला के जी डैस की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई जी माइनस आर ई मेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा ये हो जाएगा घूर्न गति के कारण जी के मान में परिवर्तन ठीक है इसको नोट कर लीजिए सब लोग अच्छा यहाँ पे अब एक बात समझना दो नोट पॉइंट लिखना याद रखना इसको घूर्णन गति के कारण जी के मान में परिवर्तन और देखो वो भी घट रहा है जी डेस का जो मान आ रहा है घूर्णन गति के कारण वो जी से इतना कम है यानी घूर्णन गति के कारण भी जी का मान क्या होता है घटता ही है ठीक है यहाँ पे एक बात समझना जब हम भूमध्य रेखा पर निकालेंगे कहाँ पर निकालेंगे भूमध्य रेखा पर तो लैम्डा एक सी अच्छांश स्थिति क्या होगी जीरो होगी बच्चों भाई भूमध रेखी तल के साथ बना कोड़ी अक्षांश स्थिति लेमडा का मान होता है और जब भूमध रेखा पर ही हो तो बताओ लैमडा क्या हो जाएगा जीरो तो अगर लेमडा को जीरो रख दें तो जी डैस की जो वैल्यू आएगी जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो और बच्चा कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन तो बेटा ये हो जाएगा जी डैस बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर ये भूमध रेखा पर त्वरण का मान होगा किसके कारण गति के कारण ठीक है अच्छा एक बात समझो अगर ध्रुवों पर बात करें कहाँ पर ध्रुवों पर तो ध्रुवों पर देखो क्या होगा कि ये वाला लेमडा एंगल जो बनेगा यहाँ से 90 नाइन्टी बन जाएगा तो लैमडा इज्क्व टू नाइन्टी हो जाएगा देन जी डैस इज इक्वस टू जी माइनस आर ईमेगा इस नब्बे और कॉस नब्बे की वैल्यू हो जाती है मेरे भाई क्या जीरो हो जाएगी ठीक है बराबर नब्बे लिखना चाहिए सॉरी तो ये हो जाएगी जीरो तो जी डैश का मान किसके बराबर आ जाएगा जी के बराबर आ जाएगा यानी ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है उसके अलावा कहीं पर भी कोई कण अगर घूम रहा है तो उसके लिए गुरुतीत का मान सदैव ध्रुवों के मान से कम ही होना है ठीक है ये वाला भी नोट कर लो तो फिर चलिए अब आगे चलते हैं इस पर अभी नूमेरिकल की जो बात आती है कि सर आप एक एक सवाल करा दिया करिए हर फार्मूले पे तो बेटा मैं तो पूरा आपका कुमार मित्तल किताब ही सॉल्व करवा रहा हूँ जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म होगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक लाइन से बताते चलूँगा ठीक है चलिए इसको नोट कर लीजिए हो गया सबका मिटाया जाए आगे बढ़ें फिर रफ़ कर दें बताओ बिता दें अगली चीज़ देखो क्या समझना तुम लोग को नेक्स्ट हेडिंग ले लीजिए गुरुत् क्षेत्र क्या लिखोगे गुरुत्ती क्षेत्र गुरुत्ती क्षेत्र कक्षा दस में भी पढ़ते रहोगे भैया वैद्युत क्षेत्र और क्या नाम है चुंबकीय क्षेत्र आज एक नया क्षेत्र मिलेगा तुम लोग को गुरुत्ती क्षेत्र आज हमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि गुरुत् क्षेत्र में क्षेत्र शब्द आया है या क्या होता है क्षेत्र का मतलब क्या होता है फिजिक्स में जहाँ देखो वहीं घुसाते हैं वैद्युत में देखो वैद्युत क्षेत्र चुंबक में देखो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण पढ़े तो गुरुत् क्षेत्र क्षेत्र का मतलब होता है देखो जहाँ तक प्रभाव हो किसी चीज़ का जहाँ तक प्रभाव होता है वो उसका क्षेत्र कहलाता है आप बात नहीं समझे मेरी जैसे मैं एक चुंबक रख दूँ यहाँ पर ये यह एक मैग्नेट रखा है समझना बात को क्या रखा है मैग्नेट रखा है तो इस मैग्नेट के चारों ओर बेटा एक ऐसा एरिया है जहाँ तक ये किसी चुंबकीय वस्तु लोहा है तांबा है कापर है ठीक है इस तरह की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है ना तो चुंबक के चारों ओर जहाँ तक इसका प्रभाव दिखाई देगा प्रैक्टिकली समझो आपने ये मैग्नेट रखा तो मैग्नेट के चारों ओर चुंबक बचपन में सब खेले हो तो चुंबक रख के उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है जहाँ तक अगर आप लोहे के एक पिन को रखोगे तो ये खींच लेगा और उसके बाहर रखोगे नहीं खींचोगे यहाँ पे रखते हो खींच लेता है इसके आगे आप कहीं पर रखते हो तो नहीं खींच पाता तो ये चुंबक के चारों ओर का कौन सा क्षेत्र हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा आई बात समझ में तो क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ तक किसी चीज़ का प्रभाव हो जैसे हम लोग कक्षा दस में पढ़ते थे कि दो आवेशों के बीच बल लगता है तो एक कोई एक आवेश रख दो आवेश के चारों ओर जहाँ तक ये किसी दूसरे आवेश पर बल लगा देगा बात समझना किसी आवेश के चारों ओर जहाँ तक ये दूसरे आवेश पर बल लगा सके वो इसका क्या कहलाएगा क्षेत्र कहलाएगा ठीक है यही हाल हमारे गुरुत्वाकर्षण में भी होता है हमने क्या पढ़ा कि दो द्रव्यमानों के बीच बल लगेगा दो द्रव्यमानों के बीच बल लगेगा ये हमें बात न्यूटन भैया ने बताई और वो जो बल लगेगा वो दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाति होगा यानी आप जैसे जैसे वस्तु से द्रव्यमान से दूर जाते जाओगे गुड़ी बल का मान एफ घटता है और किस दर से घटता तो उसके लिए फार्मूला भी बताया था न्यूटन साहब ने कि यह इनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर को होता है मतलब दुगना दूर जाने पर ये चार गुना घट जाता है एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान पर बल लगाएगा लेकिन भैया उस बल लगाने की अधिकतम दूरी की एक सीमा होगी ना कि यहाँ तक बल लगाएगा यहाँ पे रखोगे ज्यादा लगाएगा यहाँ पे रखो कम लगाएगा यहाँ पे रखो और कम लगाएगा जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे बल का मान घटता जाएगा ठीक है और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर बल लगभग नगण्य हो जाएगा जीरो हो जाएगा बात समझ में आ रही है तो किसी द्रव्यमान या द्रव्यमान समूह द्रव्यमान या द्रव्यमान समूह समूह का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा कई द्रव्यमान आए हों तो द्रव्यमान या द्रव्यमान समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य द्रव्यमान पर बल लगाए अन्य द्रव्यमान पर बल लगाए वो क्षेत्र कहलाता है उस द्रव्यमान का गुरुत् क्षेत्र ठीक है हमने एक द्रव्यमान को रखा वो जिस जिस एरिया तक फोर्स लगाएगा यानी जहां तक उसका प्रभाव होगा वो उसका क्या कहलाएगा गुरुत्ती क्षेत्र सबका एक क्षेत्र होता है मेरे भाई हम कोचिंग पढ़ाते हैं हमारे नाम पे अगर आप चले जाइए जैसे मैं जहाँ कोचिंग पढ़ाता हूँ उस कोचिंग के बगल वाली चाय की दुकान पे आप चले जाइए और उनसे बोलिए कि साहब जो है मुकेश सर आपसे दो कप चाय मंगाए हैं पैसा वो बाद में देंगे ठीक है वो दे देगा भैया क्योंकि हमारे व्यवहार अच्छे हैं वहाँ पर हमको जानता है अब अगर मान लीजिए मैं जहाँ कोचिंग पढ़ा रहा हूँ इससे आप जो है बीस किलोमीटर दूरी पर जा कर के पच्चीस किलोमीटर दूरी पर जा करके किसी से बोलो कि सर वो भैया दो कब चाय दे दीजिए मुकेश्वर आएंगे पैसा देंगे दो झापड़ हाँ लगा के तुमको खींच करके क्या कहेगा कौन मुकेश्वर भे कौन मुकेश्वर कौन तुम कहाँ से आए हो कारण क्या है वहाँ पर मेरा प्रभाव नहीं है जहाँ तक मेरा प्रभाव होगा वो मेरा क्षेत्र कहलाएगा आई बात तो समझ में तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख दीजिए किसी द्रव्यमान या द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र बोले तो किसी द्रव्यमान या द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह किसी अन्य द्रव्यमान पर द्रव्यमान पर बल आरोपित करता है बल आरोपित करता है उसे हम गुरुत्ती कहते हैं उसे द्रव्यमान का गुरुत्ती कहते हैं अब अगली चीज समझेंगे गुरुत्ती क्षेत्र होता ये तो हम समझ गए अब क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ठीक है गुरुत् क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हमने अभी अभी देखा क्या देखा कि अगर ये कोई द्रव्यमान है द्रव्यमान के चारों ओर एक क्षेत्र होगा जहाँ तक किसी अन्य द्रव्यमान पर बल लगा सकता है ना भाई हमने क्या देखा कि अगर ये कोई द्रव्यमान रखा है तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा जहाँ तक ये बल लगा सकता है ठीक है देखो यहाँ पर आप द्रव्यमान को रखोगे तो ज़्यादा बल लगाएगा इसके आगे यहाँ पर रखोगे थोड़ा बल कम लगाएगा यहाँ पर रखोगे बल कम लगाएगा भाई जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बल का मान घटता जाएगा पहली स्थिति में बल ज़्यादा कम ज़्यादा लगेगा दूसरे में कम लगेगा तीसरे में और कम लगेगा ठीक है तीन स्थितियां मैंने दिखाई हैं तो जैसे जैसे दूर जाओगे बल का मान घटता है मतलब समझो कि इसका जो प्रभाव है इसका जो प्रभाव है द्रव्यमान का वो इसके आसपास ज़्यादा है और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाते इसका प्रभाव घटता जाता है मतलब एक शब्दों में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द्रव्यमान का जो गुरुत् क्षेत्र है ग्रेविटेशनल फील्ड है ठीक है वो इसके आसपास प्रबल गुरुत्ती क्षेत्र है प्रबल मतलब समझ रहे हो ना बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इसके द्वारा लगाए जाए बल का मान घट रहा है अर्थात इसका गुरुत्ती क्षेत्र क्या है दुर्बल हो रहा है बात समझ में आ रही सबके इसका गुरुत्ती क्षेत्र जैसे जैसे दूर जा रहे हो क्या हो रहा है दुर्बल हो रहा है कमजोर होता जा रहा है अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर जीरो हो जाएगा तो बेटा एक क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन क्या बनता है कि कहाँ पे कितना है बात समझो गुरुत् क्षेत्र कम है ज़्यादा है या बता रहे हो प्रबल है यहाँ का दुर्बल है ये तो सब ठीक है आखिर है कितना ठीक है तो कितना है इसके लिए हम एक नई राज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्तीद की तीव्रता ठीक है तो इसके बारे में पढ़ना क्यों है गुरुत्तीद की तीव्रता के बारे में क्या होती है पहले इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि, कि किसी गुरुत्ती के भीतर क्षेत्र का मान बताने वाली राशि को

मान बताती है ये समझ गए हो सब लोग अब ये मान बताती कैसे है ये बात भी सोचना चाहिए तो गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता हमें मान कैसे बताएगी तो बच्चा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम एक द्रव्यमान लाते हैं छोटा सा जिसको कहते हैं परीक्षण द्रव्यमान क्या करते हैं लाते हैं परीक्षण द्रव्यमान इसको कहते हैं टेस्टिंग मास ठीक है टेस्टिंग मास क्या होता है देखो अत्यंत छोटा वह द्रव्यमान एम से लिखो या एम नॉट से लिखो कुछ लोग इसको एम नॉट से भी लिखते हैं ठीक है अत्यंत छोटा वह द्रव्यमान जिसका खुद का कोई क्षेत्र ना हो बल्कि दूसरे के गुरुत्ती क्षेत्र का अनुभव करे मेरी बात आप समझो तो इस कहानी समझ में नहीं आ रही है बहुत छोटा सा द्रव्यमान ले लो जिसका खुद का फील्ड हो लेकिन न के बराबर हो मतलब ये दूसरों पर बल लगाने की हिम्मत ना करे बाकी दूसरे के बल का खुद धुआंधार अनुभव करे नहीं बात समझे इसकी मैं शुद्ध हिंदी में परिभाषा आपको बताऊँ अत्यंत गरीब वह द्रव्यमान अत्यंत गरीब वहा द्रभ्य जो कि दूसरों से चार लाख जूता खा सके और बाकी किसी को आँख भी ना दिखाए <laughs> नहीं समझे बेटा समझो एक बात कि मतलब अगर हम इसको किसी के फील्ड में रख देंगे इसको किसी के फील्ड में रख देंगे तो ये उसके द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करेगा पर इसके इसका कोई फील्ड है ही नहीं ठीक है तो हम क्या करते हैं एक छोटा सा द्रव्यमान लाते हैं जिसे परीक्षण द्रव्यमान कहते हैं न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रयोगों में इसी का इस्तेमाल किया था तो हमने जैसे यहाँ पर मुझे गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो मैंने एक छोटा सा परीक्षण द्रम्य लाया ए एम नॉट और उसको रख दिया तो भैया ये इसके एरिया में है इसके गुरुत्व क्षेत्र में है तो ये बड़ा वाला द्रव्यमान इस पर बल लगाएगा किधर लगाएगा अपनी ओर आकर्षण बल लगेगा ना फिर मैंने क्या किया कि ये वाला बल निकाल लिया कैसे निकाल लिया न्यूटन भैया के नियम जिंदाबाद अब बराबर जी एम ऑन एम टू बाई आर स्क्वायर फिर जब वो बल निकाला तो उस बल को मैंने भाग दे दिया एम नॉट से किससे भाग दे दिया एम नॉट से और यही जो मान आता यही कहलाती गुरुत् क्षेत्र की तीव्रता तो गुरुत् क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाली जाती है किसी एक अंग परिक्छन मान लाते हैं उसको क्षेत्र के उस बिंदु पर रख देते हैं जहाँ पर हमें तीव्रता निकालनी होती है और फिर उस पर लगने वाले बल का मान कैलकुलेट कर लेते हैं बल को भाग दे देते हैं एम नॉट से वही हो जाती है क्षेत्र की तीव्रता तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की एक परिभाषा ये भी लिख सकते हो ये वाला फार्मूला लिख लेना पहले पहले पॉइंट में I बराबर या बाई यम नॉट उसमें नीचे लिखोगे किसी भी गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे हुए परीक्षण द्रव्यमान पर लगने वाले बल गुरुत्वाकर्षण बल और उस परीक्षण द्रव्यमान के अनुपात को उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं अच्छा इसी में देखो एक डिफिनीशन और यून आ सकते हैं यदि यम नॉट की वैल्यू हम वन कर दें कितनी कर दें वन कर दें तो आई किसके बराबर आएगा भैया एफ के बराबर आएगा किसके बराबर आएगा एफ के मतलब अगर यही परीक्षण द्रव्यमान एकांक होता एक किलो का होता एक ग्राम का होता तो उस पर जितना बल लगेगा उस बल को ही उस बिंदु पर गुरुती क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे ठीक तो क्षेत्र की तीव्रता की एक प्यारी सी परिभाषा और लिख लो एकांक परीक्षण द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्ती बल को एकांक परीक्षण द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं क्लियर हो गया सबको अब चलिए अगले पॉइंट में समझो इसका मात्रक क्या बनेगा बच्चों तो फार्मूला कहता एफ बाई एम नॉट तो इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन प्रति किलोग्राम या डाइन प्रति ग्राम। न्यूटन प्रति किलोग्राम या डाइन प्रति ग्राम। इसकी अगर हम बीमा निकालें तो क्या आएगी तो न्यूटन भैया के लिए बीमा आती है एम एल्टी माइनस टू और द्रव्यमान के लिए आती है एम आप देखो भाग दे दोगे तो बताओ कितना आ जाए माइनस टू आ जाएगा ठीक है अच्छा एक बात और याद रखना अगले पॉइंट में लिख देना क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये सदिश राशि है कैसी राशि है सदिश क्योंकि तो अभी मैंने डिफिनेशन में क्या बोला एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को तीव्रता कहते हैं किसको तीव्रता कहते हैं बल को तीव्रता कहते हैं और बल कैसी राशि है सदिश राशि है जब बल सदिश है तो ये भी कैसी होगी सदिश अरे तो सदिश है तो इसकी दिशा कहाँ होगी तो देखो ये द्रव्यमान का गुरुत्ती क्षेत्र है चार ओर यहाँ पर आप निकालोगे तीव्रता की दिशा तो यहाँ परीक्षण द्रव्यमान को रखोगे परीक्षण द्रव्यमान पर बल किधर लगेगा द्रव्यमान की ओर यहाँ पर अगर हम रखें परीक्षण द्रव्यमान को तो बल किधर लगेगा द्रव्यमान की ओर यहाँ पर रखे होते हैं तो किधर लगता द्रव्यमान की ओर तो याद रखना इस पर बल कहाँ लगता है सदो द्रव्यमान की ओर इस बिंदु पर अगर निकालनी है तो गुरुती क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी द्रव्यमान की ओर जैसे मैं यहाँ पर द्रव्यमान रख दूँ तो मेरी ओर ठीक है ये होगी गुरुती क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होती है तीव्रता की डायरेक्शन याद रहेगा ना चलो अच्छा देखो मैंने इसका मात्रक बताया न्यूटन पर किलोग्राम या डाइन प्रति ग्राम जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ये हमारा एक द्रव्यमान रखा है और द्रव्यमान के गुरुत्ती क्षेत्र में इस बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड गुरुत्ती क्षेत्र की तीव्रता पाँच न्यूटन प्रति किलोग्राम है कितनी है बच्चों पाँच न्यूटन प्रति किलोग्राम तो इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा गौर समझो पाँच न्यूटन प्रति किलोग्राम मतलब एक किलोग्राम पे कितने न्यूटन का बल लग रहा है पाँच न्यूटन का ठीक है ये मतलब होता है अब इसके बाद जब यह इसके और पास जाके यहाँ पे निकालेंगे तो वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी टेन न्यूटन पर किलोग्राम अब टेन न्यूटन पर किलोग्राम की मीनिंग क्या है कि अगर यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक किलोग्राम का ध्रमान रखूँ क्या करूँ एक किलोग्राम का ध्रमान रखूँ तो जो गुरुत्ती क्षेत्र यहाँ बना हुआ है इस गुरुत्ती क्षेत्र का और उसमें कितने न्यूटन बल लगेगा दस न्यूटन का यहाँ पर हमने कहा गुरुत्ती क्षेत्र की तीव्रता वो तो मान लो कह देते हैं कि दस न्यूटन प्रति किलोग्राम है इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुत्व इस गुरुत्ती क्षेत्र में एक किलोग्राम का बल लग, कोई पिंड रखने पर उस पर दस न्यूटन का बल लगेगा अच्छा एक बात और समझो अगर अब यहाँ यहाँ पर पूछें कि बेटा ये बताओ पाँच किलो पे कितना बल लगेगा ये गुरुती क्षेत्र जो है वो पाँच किलो पर कितना बल लगाएगा तो एक किलोग्राम पर दस न्यूटन लगा रहा तो पाँच किलोग्राम पर भैया पचास न्यूटन लगा देगा बहुत सिंपल है ठीक है तो ये सब चीजें आप लोग नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं गुरुत्ती छेद की तीव्रता अगली हेडिंग लिख ले लेना क्षेत्र की तीव्रता हो गई अगली हेडिंग लिखो बिंदु द्रव्यमान के कारण की तीव्रता एक छोटा सा फार्मूला और फिर उस पर कुछ सवाल भी हम लोग आज ही करेंगे लिख लीजिए हेडिंग बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत् छेद की तीव्रता बिंदु द्रव्यमान पॉइंट मास क्या होता है कोई ऐसा द्रव्यमान लो जो साइज में अत्यंत छोटा हो हो चाहे जितना इससे मतलब नहीं है लेकिन साइज बड़ा ना हो ठीक है वह द्रव्यमान जिसका आकार अत्यंत बिंदु के समान हो अत्यंत छोटा हो उस द्रव्यमान को हम कहते हैं बिंदु द्रव्यमान ठीक है तो हेडिंग आप लोग लिखोगे क्या बिंदु द्रव्यमान के कारण इसके कारण बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत् क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्ती क्षेत्र की तीव्रता देखो इसको कैसे निकालना आराम से समझना जैसे हम पहले एक छोटा सा पॉइंट मास ले लेते हैं जो कि मान लो कैपिटल कैप्टेल है कैपिटल एम कुछ भी ले सकते हो कैपिटल कैप्टेल द्रव्यमान का एक हमने पॉइंट मास ले लिया हमें इसके कारण तीव्रता निकालनी है तो तीव्रता हम इसके गुरुत्ती क्षेत्र के भीतर ही निकालेंगे तो हमने मान लिया कि इसके गुरुत्ती क्षेत्र में ही आर दूरी पर एक बिंदु को यह पी जहाँ पर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ठीक है भैया इसका माना फलाना लिखवाना हो तो लिखवा देते हैं लिख लो बहुत छोटा सा है लिख लो माना एक पर बिंदु द्रव्यमान यम है जिसके गुरुत्ती क्षेत्र में आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस बिंदु पर हमें क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है क्या करनी है गुरुत्तीद की तीव्रता निकालनी है यहाँ पर आई का मान निकालना है ठीक है तो भैया तरीका क्या है गुरुत् छेद की तीव्रता निकालने का तरीका क्या है वो लाओ क्या परीक्षण द्रव्यमान छोटा सा द्रव्यमान तो हमने यहाँ पर एक परीक्षण द्रव्यमान एम नॉट रखा अब इस पर इस द्रव्यमान का गुरुत्ती बल लगाएगा क्या करेगा बल लगाएगा वो बल कितना होगा पहले उसको निकाल लेते हैं तो लिखेंगे बिंदु पी पर क्या लिखेंगे बिंदु पी पर रखे परीक्षण द्रव्यमान पर बल परीक्षण द्रव्यमान पर बल तो ये बल F का जो मान होगा न्यूटन भैया को बुला लेते हैं क्या बताए थे जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर इस फार्मूले से अगर निकालें तो यहाँ पे देखो पहला द्रव्यमान हो गया कैपिटल एम दूसरा द्रव्यमान हो गया एम नॉट बीच की दूरी हो गई आर तो ये हो जाएगा एम एम नॉट बाई आर स्क्वायर यह आ जाएगा बल का मान अब देखो ये बल निकाल लिए आपने यहाँ पे तीव्रता का फार्मूला पढ़ा है कि आई बराबर एफ बाई एम नॉट उसके बाद लिखना बिंदु पी पर बिंदु पी पर गुरुत् क्षेत्र की तीव्रता गुरुत् क्षेत्र की तीव्रता तो गुरुत् क्षेत्र की जो तीव्रता होगी आई बराबर वो किसके होती है एफ बाई एम नॉट के अब मैंने एफ का मान यहाँ पर निकाल ही चुका है ये समीकरण नंबर एक से तो लिख देना समीकरण नंबर एक से आई बराबर यफ़ की जगह रख देंगे जी यम यम नॉट बाई आर स्क्वायर अपॉन में यम नॉट ये दोनों एम नॉट कैंसिल हो जाएंगे तो आई बराबर हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर याद रखना ये फार्मूला इस पर बहुत सारे नुमर आपको मिलने वाले हैं और मैं भी दो चार करवाने वाला हूँ तो याद रखना गुरुती छेद की तीव्रता का सूत्र आई बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर यह हम हुआ द्रह्मांड है जिसके कारण हम तीव्रता निकाल रहे हैं और आर क्या है उस द्रव्यमान से दूरी हो जाएगी तो इसको नोट करो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं अगला फार्मूला फार्मूला नहीं अब इस पर दो चार सवाल हो जाए मिटा दें इसको अच्छा एक बात समझ लेना यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन में तीव्रताओं का परिणाम ही निकालेंगे क्या निकालेंगे तीव्रताओं का परिणामी ठीक है एक बिंदु पर हमें कई सारी तीव्रताएं ध्रह की मिल जाएंगी तो उनका परिणामी कैसे निकालेंगे तो पहले केस ऐसा हो सकता है कि अगर दो तीव्रताएं सेम डायरेक्शन की हों आई वन और आई टू एक ही दिशा में हो तो इनका परिणामी आप जोड़ के निकाल लेना आई वन प्लस आई टू कर देना अगर किसी बिंदु पर दो तीव्रताएं विपरीत दिशा में मिल जाए एक आई वन इधर हो जाए आई टू इधर हो जाए तो इनका परिणामी आप घटा कर निकाल लेना जो बड़ी हो उससे छोटी घटा देना और जो उनका परिणामी आएगा उसकी जो दिशा होती है वो सदैव बड़े वाले की ओर होगी अगर आई वन बड़ा होगा तो ये परिणामी आई की दिशा आई वन की ओर होगी और अगर, अगर आई टू बड़ा होगा तो परिणामी आई की दिशा आई टू की ओर होगी ठीक है तीसरा नंबर केस क्या होता है कि अगर मान लो आई वन इधर है और आई टू इधर है इन दोनों द्रम्णुकार जो तीव्रता आई बराबर उसके लिए सूत्र लगाएंगे अंडर उड आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर टू आई वन आई टू कॉस थीटा ये लगा देंगे ठीक है यहाँ पे वाट इज थीटा द एंगल बिटवीन आई वन एंड आई टू ठीक इसे निकाल लेना ठीक चलो इसको फिर रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इस पर आपको सवाल हो जाए सर धीरे धीरे सवाल लगाएंगे ठीक चलिए एक क्वेश्चन हो जाए इस पर मीठा सा सवाल इसको नोट कर लिया करो भैया रोक के वीडियो ठीक है तुम लोग को नोट करने का काम हालांकि देखो इस वीडियो को जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक दिया गया है चाहो तो वहाँ से नोट्स ले सकते हो और एक बात समझ लेना कि अपने हाथ की बनाई नोट्स से पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है तो अपना लिखा जितना समझ में आता उतना जू, दूसरों का लिखा समझ में नहीं आता मैं आपको अपनी खुद की एक कहानी बताऊं कि मैं पढ़ने के मामले में चलो ठीक है जितना कह दोगे उतना पढ़ लेंगे पर लिखने की क्षमता हमारी एकदम शून्य है सुनने का मतलब मैं आपको खुद बताऊँ मैं अपने स्कूल के दिनों में कभी अपनी खुद की कभी नोट्स ही नहीं बनाता था मेरी कभी भी नोट्स नहीं बनी किसी भी सब्जेक्ट की हाँ लिखता क्या था मैथ लगाता था मैथ लगाने के लिए भाई लिखना पड़ता था लेकिन वो मैथ लगाई हुई केवल मैं ही समझ पाता था और मेरा दोस्त भी कोई नहीं समझ सकता था ठीक है ऐसे होता और मैंने कभी नोट्स बनाए ही नहीं मतलब मुझे नोट्स की कभी जरूरत नहीं पड़ी पढ़ लेता था समझ लेता था सब कुछ है आज भी बच्चे कहते सर असाइनमेंट दीजिए हैंड रिटन नोट्स दीजिए अब ये तुम लोग को जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ये मेरी खुद की लिखी थोड़े मेरी राइटिंग थोड़े ना है मैं पढ़ाता रहता हूँ क्लास में बच्चे नोट्स बनाते हैं लड़के लड़कियाँ अपना जो होते हैं नोट्स बनाते हैं उन्हीं से किसी की एक कापी ले ली उसको स्कैन करवा के तुम लोग को दे दिया ठीक बाकी मेरी लिखी नोट्स आज तक किसी के पास आए भी नहीं और अगर मान लो दो चार चैप्टर की मैं अपनी लाइब्रेरी में खोजूँ जहाँ मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ अगर मान लीजिए मिलती भी है तो वहां पर तुम लोग को वो भाषा समझ में आएगी भी नहीं तो मेरा लिखा भगवान बनाया है ठीक है चलिए तो अगली एक सवाल इस पर हो जाए चलिए क्वेश्चन लिखेगा यदि यदि दो किलोग्राम व चार किलोग्राम ये क्वेश्चन है आज का दो किलोग्राम व चार किलोग्राम के दो पिंड दो पिंड एक दूसरे से एक दूसरे से दस सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों, रखे हों तो उनके मध्य बिंदु पर उनके मध्य बिंदु पर गुरुत्ती क्षेत्र गुरुत्ती क्षेत्र की तीव्रता बताओ की तीव्रता बताओ गुरुत्ती क्षेत्र की तीव्रता पूछ सकता है गुरुत्ती बल क्षेत्र पूछ सकता है ठीक है या गुरुत्ती बल कितना होगा ये पूछ सकता है ऐसे कुछ भी पूछ सकता है चलो तो इस सवाल को लगाने के पहले एक छोटी सी चित्र बना लेते हैं दो किलोग्राम का एक पिंड हो गया दूसरा हो गया भैया कितने किलोग्राम का चार किलोग्राम का बीच की दूरी कितनी दे देनी है बीच की दूरी है दस सेंटीमीटर बीच की दूरी इनके है दस सेंटीमीटर और हमसे सवाल ने पूछा क्या है कि इनका जो मध्य बिंदु होगा ठीक बीच का पॉइंट ये वाला मान लो लोपी है यहाँ पे तीव्रता का मान कितना होगा ये पूछा है तो यहाँ पर इस दो किलोग्राम के पिंड की तीव्रता आई वन इधर होगी चार किलोग्राम के पिंड की तीव्रता आई टू इधर होगी हम आई वन और आई टू का मान निकालेंगे भैया देखो ऐसे समझना पड़ेगा इसको तीव्रता के डायरेक्शन ये वाले द्रव्यमान कारण यहाँ पर निकाल लो तो मैंने क्या बताया कि द्रव्यमान की ओर तो इस बिंदु पर अगर इसके कारण द्रव्यमान की ओर चलोगे किधर तो आना पड़ेगा इस साइड और इस बिंदु पर अगर इसके कारण चलोगे द्रव्यमान की ओर तो इधर जाना पड़ेगा तो I1 इस साइड हो जाएगी I2 टू उस साइड हो जाएगी हम पहले इन दोनों का मान निकालेंगे और मान निकालने के बाद दोनों को घटा दिया जाएगा ठीक है क्योंकि I का जो फार्मूला होता है किसी बिंदु द्रव्यमान के कारण वो होता है जी एम बाई आर स्क्वायर यही होता है तो I1 का अगर हम मान निकालें तो I1 के लिए जी की वैल्यू सबसे लास्ट में रखना जब भी देखो दो तीव्रताओं का दो बलों का ये सब निकालना तो जो बड़े बड़े कॉन्स्टेंट होते हैं उनको लास्ट में रखा करिए इससे फ़ायदा क्या होता है ना कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी टर्म्स में हो जाता है छोटे छोटे आसान से पदों में हमारा कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा तो जी की जगह जी रख देते हैं द्रव्यमान है दो किलोग्राम और इससे दूरी कितनी होगी भैया टोटल थी दस सेंटीमीटर तो आधी यानी मध्य बिंदु तक की जो दूरी होगी वो हो होगी फाइव सेंटीमीटर इससे फाइव तो इससे भी हो जाएगी फाइव सेंटीमीटर तो बीच की दूरी पाँच सेंटीमीटर है दस के घाते माइनस दो से गुणा करा देंगे मीटर बदल जाएगा पे स्क्वायर भी लगाना है तो हो जाएगा टू जी बाई पच्चीस गुड़ते दस की पावर माइनस का चार बस ऐसे लिखा रहे दो ठीक है चाहो तो ऊपर लेके जा सकते हो और आई टू का अगर हम मान निकालें तो आई टू के लिए देखना जी की जगह जी रखेंगे लेकिन द्रव्यमान कितना है चार किलोग्राम हो जाएगा ए एम की जगह चार और दूरी बच्चों वही है पाँच सेंटीमीटर तो पाँच सेंटीमीटर को मीटर बदलोगे दस की पावर माइनस दो से गुड़ा फिर स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगी फोर जी बाई पच्चीस गुणते दस की पावर माइनस का चार ठीक है मात्रक लिखना बिल्कुल मत भूलें न्यूटन पर किलोग्राम न्यूटन पर किलोग्राम यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि I1 और I2 दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो जो परिणामी तीव्रता आएगी क्या आएगी परिणामी तीव्रता उसके लिए हम बड़ी बड़ी तीव्रता से छोटी वाली को घटा देंगे अब इन दोनों में I1 और I2 में बड़ा कौन है I2 बड़ा है और I1 छोटा है तो आप I2 से घटा दोगे I1 को अब चलो आई टू का मान है फोर जी अपॉन में ट्वेंटी फाइव इंटू टें पा माइनस फोर माइनस आई वन का मान है टू जी इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू टें पा माइनस फोर तो घटाओगे तो बच्चा ये फोर जी से टू जी घटा दो तो फोर जी से टू जी घट जाएगा तो आ जाएगा सर टू जी अब टू जी ना लाओ फाइव जी लाओ पच्चीस गुणते दस की पावर माइनस का चार अब इसको सॉल्व कर सकते हो जी की वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टेन टू पावर माइनस अलेवन और प्लस फोर पावर ऊपर चली गई ये वाली बटे में पच्चीस घर में आराम से नहा धो के खा पी के बढ़िया आराम से इसका गुड़ा भाग करना जो भी आंसर आएगा न्यूटन पर किलोग्राम में आएगा और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी तो जिधर की तीव्रता ज़्यादा थी I1 बड़ा था कि I2 बड़ा था तो I2 बड़ा था उसकी डायरेक्शन कहाँ है चार किलोग्राम की ओर तो ब्रैकेट में देना चार किलोग्राम की ओर ये सवाल समझ में आ गया हो तो एक सवाल और इस पर कर लेते हैं नोट करो इसको बढ़िया अच्छा क्वेश्चन था ठीक है मिटा दें मिटा दें मिटा दे लो मिटा दिया सर वीडियो रोक के नोट करना हो तुम लोग का काम है बेटा ठीक है अभी क्लास नहीं है टाइम देंगे कि नहीं लो लिखो आराम से बैठे रहो छापते रहो हम भी आराम कर लें क्लास बढ़िया रहती है वहाँ एक घंटे पढ़ाने में और यहाँ का आधे घंटे पढ़ाने में बराबर एनर्जी लगती है आपको बताएं कारण क्या होता है क्लास में बढ़िया दे दिए पूरा बोर्ड भर दिए अब बच्चे आराम से लिख रहे हैं कुछ बच्चे होते हैं वो एक एक अक्षर अच्छा देख के लिखते हैं ए फिर आगे प्लस फिर बी प्लस सी ऐसे देख देख लिखते थे तो जब ऐसे लिखने लगते हैं तो फिर हो गया फिर तो हम लोग को आधे घंटे आराम से बैठे रहो कुर्सी ले लो बैठ जाओ ठीक है चलिए वास्तव में यही होता है स्कूलों में कि टीचर बेचारा टीचर बेचारा सर बेचारे नहीं होते स्टूडेंट बेचारे होते लिख दिया फिर आराम से बैठा रहता है चलिए अगली हेडिंग क्या ले? हेडिंग में एक क्वेश्चन और लिखना है लिखो दो द्रव्यमान दो द्रव्यमान चार किलोग्राम व सोलह किलोग्राम चार ना लिखो नौ लिख लो नौ और सोलह किलोग्राम जिनके बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है कितनी है 20 सेंटीमीटर है ठीक है यदि नहीं यदि यदि क्या बोल रहे यार रुक आराम बोला करो उसको सोच समझ के 20 सेंटीमीटर है इनको मिलाने वाली रेखा इनको मिलाने वाली रेखा रेखा सर रेखा रेखा कि किस बिंदु पर इस बिंदु पर गुरुती क्षेत्र शून्य होगा गुरुती बल क्षेत्र शून्य होगा ठीक है ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन चलिए बहुत आराम से लगाएंगे राधा रानी का नाम लेते हुए ये चार किलोग्राम का पिंड है दूसरा सोलह किलोग्राम नहीं चार का नहीं है बेटा नौ का है नौ का है नौ का दूसरा सोलह किलोग्राम का है बीच की जो दूरी है वह पूरी पूरी बीस सेंटीमीटर और पूछा गया है कहाँ पर गुरुत् क्षेत्र शून्य होगा तो मान लेते इस वाले से एक्स दूरी पर इस वाले से एक्स दूरी पर यहाँ पर गुरुत् क्षेत्र शून्य है यानी यहाँ परिणामी तीव्रता क्या है जीरो है ठीक सर जीरो तो कर दिए आप अगर इससे दूरी एक्स होगी तो इससे कितनी होगी बीस माइनस एक्स होगी बताओ ये समझ में आ रहा है ना सबके चमक रहा नहीं यहाँ देखो इससे दूरी एक्स होगी उससे दूरी बीस माइनस एक्स होगी तो इस वाले द्रव्यमान का गुरती क्षेत्र किधर होगा आई वन इधर की ओर इसके कारण अगर गुरती क्षेत्र तो आई टू मान लें तो वो किधर होगा इधर की ओर इसका हमने आई वन माना है जो इसकी ओर है इसका हमने आई टू माना है जो इसकी ओर है अच्छा यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता आई आएगी आई है जो कहें परिणामी तीव्रता आई जो जीरो आई है वो आई वन और आई टू के अंतर के बराबर होगी बराबर में जीरो है तब यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि आई वन बराबर होगा सर आई टू के अच्छा आई का फार्मूला क्या होता है बेटा जी एम बाई आर स्क्वायर ठीक है जी एम बाई आर स्क्वायर तो आई वन के लिए बताओ क्या बन जाएगा जी एम का मान नौ किलोग्राम दूरी क्या लिए हो इससे जहाँ पे आपने तीव्रता को जीरो माना है ठीक है यहाँ पे तीव्रता जीरो है वहाँ की दूरी क्या है एक्स तो जी इंटू नाइन बाई एक्स स्क्वायर इसके लिए निकाले तो बताओ क्या हो जाएगी जी इंटू सिक्सटीन बाई ट्वेंटी माइनस एक्स का स्क्वायर जी से जी कट गया सर ठीक है अब देखो यहाँ से आएगा नौ बटे सोलह बराबर एक्स स्क्वायर बटे बीस माइनस एक्स का होल स्क्वायर ठीक है दोनों तरफ अंडरूड अगर लगा दें तो नौ का वर्गमूल कितना होता है तीन सोलह का चार बराबर एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स बीस माइनस एक्स के होल स्क्वायर का वर्गमूल बीस माइनस एक्स फिर यह करा देते हैं तो ये हो जाएगा तीन के गुणे में बीस माइनस एक्स चार के गुणे में एक्स ठीक है तो अंदर इसका गुड़ा कराएं तो हो जाएगा साठ माइनस का तीन एक्स बराबर में चार एक्स एक्स उधर लेके चले जाना सात एक्सर साठ बटे सात सेंटीमीटर और ये एक्स दूरी हमने किससे बताई है बच्चों नौ किलोग्राम के पिंड से नीचे दो प्यारी प्यारी सुंदर सी लाइनों में लिखोगे अर्थात नौ किलोग्राम के पिंड से साठ बटे सात सेंटीमीटर की दूरी पर गुरती बल क्षेत्र का मान शून्य होगा नोट कर ली पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक है तो गुरुत् क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी खत्म हो गई है आपकी नहीं क्षेत्र की तीव्रता खत्म हो गई है अब जो अगला टॉपिक आएगा उसमें हम गुरुत्ती विभव हो स्थितिज ऊर्जा ठीक है के बारे में पढ़ेंगे उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में आपको चैप्टर खत्म हो जाएगा हाँ कैपलर का नियम भी बचा हुआ है सर उसको मैं बेटा सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ ठीक है पूरा चैप्टर जब खत्म होने वाला रहेगा तो वहाँ पे कैपिलर का नियम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर जरूर कर दिया करो क्योंकि तुम लोग के व्यूज़ आते हैं खूब अच्छे खासे तो उसी से एनर्जी मिल जाती है फिर लगता अगला बनाओ अगला बनाओ अगला बनाओ और ये जितनी भी कंटेंट आते जा रहे आते जा रहे हैं इसके लिए है बेटा तुम लोग का कमेंट लिखा होता है कि सर अगला वीडियो कब आएगा अगला वीडियो कब आएगा तो अंदर से एक मतलब आग लगी रहती कि नहीं अगला वीडियो बनाना ही बनाना है बनाना है और पता चला कोई देख ही नहीं रहा है तो फिर लगता है कि यार जब पसंद ही नहीं आ रहे तो आराम से घर में बैठो खाओ पियो पढ़े रहो आराम से ठीक है चलिए फिर बातचीत होती रहेगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक सबसे बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखना पढ़ाई लिखाई जारी रखना